हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आपका स्वागत है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाद अब टॉलीवुड ने भी दुनिया भर के दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली है। एक दौर था जब साउथ की फिल्में केवल दक्षिण भारत में ही देखी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में टॉलीवुड कई मायनों में बॉलीवुड से भी आगे निकल चुका है। साउथ की फिल्में आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई अन्य देशों में भी पसंद की जाती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बाहुबली और KGF सरी की कई शानदार फिल्में बनाकर काफी तरक्की कर ली है। कहानी के मामले में भी साउथ की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों से कहीं बेहतर होती हैं। दर्शकों, पुरानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। रजनीकांत, कमल हासन, विजय, प्रभास, जूनियर NTR, रामचरण, अल्लू अर्जुन, धनुष, सूर्या और विजय देवरकोंडा समेत कई अन्य एक्टर भी आज देश भर में काफी मशहूर हो चुके हैं। इसीलिए आज हम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अब तक के सबसे अधिक कमाई करने फिल्मों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नंबर 10, कवाली। टॉप 10 फिल्मों की 10 नंबर पर सुपरस्टार रजनीकांत की कवाली फिल्म है। साल 2016 में रिलीज हुई इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर 9, बिजल। साउथ की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सुपरस्टार विजय की फिल्म ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर थलापति विजय की बिजल फिल्म है। साल 2019 में रिलीज हुई इस तमिल स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 304 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर 8, पुष्पा द राइज। साल 2021 की सबसे चर्चित फिल्म पुष्पा द राइज को शायद ही फैंस कभी भूल पाए। अपने डायलॉग से लेकर गानों तक से इस फिल्म ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस तेलुगु फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 369 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर 7, साहो। प्रभास स्टारर ये एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन कमाई के मामले में ये अव्वल रही। साल 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म इसलिए फ्लॉप मानी जाती है क्योंकि इसका बजट ही 350 करोड़ रुपए था, जबकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 417 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर 6, विक्रम। साल 2022 में रिलीज हुई कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम कमल हसन के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है। कमल हसन द्वारा प्रोड्यूस इस तमिल फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 424 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। नंबर 5, बाहुबली द बिगिनिंग। साल 2015 में रिलीज हुई राजा मौली की बाहुबली द बिगिनिंग कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए साउथ की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने तब वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर 4, 2.0। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0 सुपरहिट फिल्म रोबोट फिल्म का दूसरा भाग था। साल 2018 में रिलीज हुई इस एक्शन पैक्ड तमिल फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 654 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर 3, RRR। SS राजामौली की सुपरहिट फिल्म RRR इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। साल 2022 में रिलीज हुई जूनियर NTR और रामचरण स्टारर इस तेलुगु फिल्म के हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम वर्जन ने वर्ल्ड वाइड 1131 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की है। नंबर 2, KGF चैप्टर 2। कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। साल 2022 में रिलीज हुई यश स्टारर इस फिल्म के कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन ने वर्ल्ड वाइड 1228 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। और नंबर 1, बाहुबली 2 द कंक्लूशन। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बाहुबली 2 द कंक्लूशन फिल्म है। साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म के तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम वर्जन ने वर्ल्ड वाइड 1749 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐसे ही और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।